गर्मी का सीजन आ चुका है, गर्मी जो है वो अपने जोरों शोरों पर है। समर सीजन में हमें फ्रूट्स में काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। समर सीजन का सबसे ट्रेंडी फ्रूट है वाटरमेलन और मस्कमेलन, और यही फ्रूट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा कट करके फ्रिज में रखे जाते हैं। लेकिन क्या वाकई हमें फ्रिज में रखे हुए कटे हुए फ्रूट्स खाने चाहिए? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि फ्रिज में रखे हुए कटे हुए फ्रूट्स खाने से क्या होता है। गर्मी के आते ही बढ़ते टेम्परेचर के साथ लोग खाने पीने की चीज़ों को फ्रिज में स्टोर करना शुरू कर देते हैं, जिनके बारे में उनका मानना है कि अगर गर्मी में बाहर छोड़ दिया तो वो सड़ सकता है या बासी हो सकता है। हालांकि कुछ खाने पीने की ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें फ्रिज में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये कभी कभी खाने के स्वाद के साथ साथ आपके हेल्थ को भी किसी तरह से अफेक्ट कर सकता है। ऐसे ही गर्मियों में खाए जाने वाले सीजनल फ्रूट आम और तरबूज को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। आप में से कई ऐसे लोग हैं जो ये सुनकर शॉक हो गए होंगे, लेकिन ये सच है। तरबूज, कस्तूरी, आम सभी गर्मियों के मौसम में ऐसे होते हैं जिन्हें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। आमतौर पर लोग इन्हें धोकर फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे उनके स्वाद पर असर पड़ता है? खास तौर पर तरबूज को कभी भी बिना काटे फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। अक्सर ये माना जाता है कि तरबूज को बिना काटे फ्रिज में रखने से ठंड क्षति यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जिससे फ्रूट का टेस्ट और कलर बदल सकता है। इसके अलावा अगर हम फल को फ्रिज में रखते हैं तो फल के अंदर बैक्टीरिया के बढ़ने का खतरा होता है। अगर आप इसे फ्रिज में रखना चाहते हैं तो उसे पहले काट लें और फिर अंदर रख दें। कटे हुए फलों को खुले में रखना अच्छा नहीं है। आम और खरबूजे को कभी भी फ्रिज में काट कर नहीं रखना चाहिए। एक बार जब आप उसे खरीद लेते हैं तो उन्हें कमरे के तापमान पर रखने से पहले ठंडे पानी में कुछ देर के लिए भिगो दें। आप उन्हें काट कर फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप उन्हें एयर टाइट कंटेनर में रख रहे हों। कटे हुए फलों को सील करना ना भूलें। ये बात समझनी जरूरी है कि फलों और सब्जियों को एक ही शेल्फ पर रखना स्मार्ट विचार नहीं है। उन्हें हर समय अलग अलग टोकरियों में अलग अलग ढंग से रखना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि इनसे कई तरह की गैसेस निकलती है? फ्रूट और वेजिटेबल को एक साथ स्टोर करने पर खराब भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उन फ्रूट को खा लेते हैं तो आपको बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कमरे के तापमान पर तरबूज, खरबूजा और आम जैसे फलों को रखना एक बेहतर ऑप्शन है। इन्हें बाहर रखकर हम इन फलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स को सेफ रख सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद होते हैं। गर्मियों के दौरान तरबूज और आम दो सबसे लोकप्रिय फल है, क्योंकि दोनों फल में पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ये फल हमें सनबर्न से बचाते हैं और हमें हाइड्रेट भी रखते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार आम और तरबूज जैसे फलों को गर्मियों के दौरान फ्रिज से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि कम तापमान पर इनके सड़ने की आशंका अधिक होती है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।